गवर्नर पंजाब कहते हैं कि ऑपोजिशन जो करने जा रही है वो हम कर चुके हैं। धरना देने के बाद पता चलेगा कि धरना कितना मुश्किल है। चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मौलाना फजल-उर-रहमान के धरने से हुकूमत को मसला नहीं, निजाम को दरहम बरहम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको पता है कि हमारी जमात ने भी रिजाइन दिए थे और फिर जो हुआ था हमें भी पता है। तो जो चीज़ें वो करने जा रहे हैं ये सारी तहरीक इंसाफ अजमाई बैठी है और उन्होंने धरना देने तो बाद पता लगेगा कि धरना देना औखा काम कितना है। हुकूमत ने एक इंतहाई पावरफुल कमेटी बना दी है जो अपोजिशन जमातों से और मौलाना फजल-उर-रहमान और अपोजिशन जमातों की टीम जो है उनसे नगोशिएट करेगी, उनसे बातचीत करेगी और उस बातचीत के नतीजे में हुकूमत फैसला करेगी कि हमने क्या करना है। अगर तो उन्होंने पुरअमन रहना है, जो गारंटीज़ हम चाहते हैं वो हमें देने के लिए तैयार हैं, उनके मकासद क्या हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं नेगोशिएशन से टेबल पे जाके हल होनी है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मैं मनमानी करूँगा, मैं मुल्क का कानून तोड़कर जहाँ चाहूँगा हुकूमत को जाम कर दूँगा, लॉकडाउन कर दूँगा, हुकूमत का निज़ाम धरम बरम कर दूँगा, तो कोई भी जिम्मेदार हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं दे सकती।